कांग्रेस के अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरे देश में राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रही है ताकि नई पीढ़ी को उनके योगदान के बारे में बताया जा सके। उन्होंने कहा कि चुनावों में राजीव गांधी के खिलाफ जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया है वह अलोकतांत्रिक है। देखिए, आज हम उस महान आत्मा को याद करें जिन्होंने इस देश की एकता और अखंडता के लिए जो है प्राण दिए। आज स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की 28वीं जो है पुण्यतिथि है और कांग्रेस पार्टी के हमारे सभी लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम जहाँ परमेश्वर से उनकी दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना कर रहे हैं, वहाँ आज के दिन हम उनके इस राष्ट्र के लिए जो योगदान है उसकी भी हम चर्चा कर रहे हैं, जो हम कभी भूल नहीं सकते। वो उन्होंने इस देश में महिलाओं को 33% का आरक्षण दिया, उन्होंने युवाओं को जो है मताधिकार दिया और युवाओं को जो है राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ा। आईटी के जनक जो है राजीव गांधी जी थे और भारत का जो आधुनिक भारत का अगर उन्हें निर्माता कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज हम उनको याद कर रहे हैं और सभी कांग्रेस जन जो है उनसे प्रेरणा ले रहे हैं। एन स्टार न्यूज़ के लिए शिमला से रमेश वर्मा की रिपोर्ट।